Welcome guys, this is Ahsan Khan. मैं वकास हैदर. And this is Shafa Gabri. वो छोटी बच्ची जो थी वो तो अंदर नहीं आ रही अभी. She's out of sight. अच्छा अभी तो बाद में आएगी. तो today she'll come in next video इंशाल्लाह. हाँ. तो आज हमें एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे वन ऑफ आर सब्सक्राइबर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द पीपल हु आर लाइकिंग अस, अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, और वी रियली रिस्पेक्ट, रियली अप्रिशिएट, एक्नॉलेज इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, राइट? और वी रियली लविंग इट योर लव. आज हमें रिक्वेस्ट आई थी वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर के हम KGF ट्रेलर पे कमेंट करें. वी हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट फिल्म इज ऑल अबाउट, लेकिन जब हम उसका ट्रेलर देखेंगे और देन वी कैन रिएक्ट. एंड प्रॉब्ली दिस फिल्म इज गोइंग टू बी रिएक्ट ऑन 21st December 2018. वो हम देख लेते हैं इसकी रिलीजिंग डेट इसकी यही है. तो वकास आप कुछ बोलना पसंद करेंगे इस बारे में? पहले फिल्म देखेंगे? नहीं, फिल्म देख के ट्रेलर फर्स्ट, ट्रेलर के बाद. हाँ, बाय द वे शफा, पीपल आर लाइकिंग यू सो मच, आपके बारे में लोग कमेंट भी कर रहे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस. आई भी लाइक करता हूं एंड डू सब्सक्राइब आवर पेज. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो वी आर प्लेइंग दैट, दिस इज, आई एम गोइंग टू प्ले दिस. यस, मुझसे वादा कर तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आ तुम दुनिया सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा. पावर है, तू ही पैसा है. पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस. पावर कहाँ मिलेगा? पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा. वन हीरो नहीं, विलन. मतलब हार क्या आपका हीरो? अब क्या करेगा आपका हीरो? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है. लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा. वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था. मॉन्स्टर. सो अभी ट्रेलर देखा. आई वुड लाइक टू हैव माय यू नो सिटिंग मेंबर्स, क्या उस बारे में कुछ बता सकें? बहुत अच्छी मूवी थी. मूवी तुमने मूवी देख के आए 3 घंटे की? नहीं, यानी कि जो ट्रेलर था काफी अच्छा लगा. ये ट्रेलर बहुत ट्रेलर हमें प्रमोट कर रहे कि हम मूवी देखें. हाँ, तो भाई कुछ बोलना है, पब्लिक देख रही तुझे. अच्छा मैं बोलूं? हाँ बोल. अच्छा, काफी ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा और काफी एक्शन टाइप की मूवी है. इसकी जो डायलॉग होंगे वो बड़ा स्ट्रांग, उसकी अच्छी डिलीवरी है. नहीं, वैसे भी ये साउथ इंडियन मूवीज होती है, इसमें एक्शन काफी ज्यादा होता है और बजट भी इनका बॉलीवुड. आई थिंक यश और भी काफी अच्छी सक्सेस मूवीज कर चुका है साउथ इंडियन, तो प्रोबेबली ये भी हिट जाएगी. तो मुझे जो मेरी जो फीलिंग है इसको ट्रेलर को देखते हुए, हालांकि इस बीच में चाय भी आई थी, उस चाय को भी मैंने उसको भी मैंने देखा, लेकिन बीच में आई वुड से दैट ट्रेलर इज रियली रिमार्केबल ऑन अ सीरियस नोट. इसकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर बड़ी जबरदस्त है. मुझे लग रहा था कि मैं हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहा हूँ. जो उसकी ग्राफिक्स थे, जो उसकी पिक्चराइजेशन थी, विच आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, रियली लव इट. और इसकी जो मुझे लगा कि ये एक स्टोरी पे बेस्ड थी, ज़्यादा स्टोरी तो होगी फिल्म की, वो ये थी कि लेट 70s में कुछ
जंग हुई है कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ वट एवर हैपेंड एंड देन उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे ठीक है और उसकी वजह से ये KGF ब्रांड बन गया था और ये जो यश जो है द गाय फ्रॉम साउथ इंडियन ये ही बिकम द लोनली गैंगस्टर और वो गोल्ड स्मिथ में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया इस चीज में कि वो इज बिकम द किंग ऑफ फादर ऑफ एवरीथिंग इन द गोल्ड और फिर वो गोल्ड की चीजों को अपने रन कर ऑन हिज फिंगर टिप्स ही यूज्ड टू रन द गोल्ड प्राइस इसके अलावा ये चीज है कि बड़ी जबरदस्त उसने एक्टिंग की है द गाय लुक वेरी सॉलिड वेरी स्ट्रांग वेरी रफ मैंने भी दाढ़ी अपनी बड़ी बढ़ाई हुई थी भी थोड़ी कम कर दी है आई हैव अ सेम बियर्ड लुक देन दिस गाइस तो बाकी मजेदार है बट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस थिंग बकास तू भी कुछ बोल दे बस बस ऑलराइट गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस लाइक अस एंड शेयर आवर पेज ऑलराइट थैंक यू सो मच